नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बाद बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। वैसे राजस्थान सरकार के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही लॉकडाउन खोलने का जो चौथा चरण है वो शुरू होने वाला है, लेकिन कई ज़िलों में जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि अब कोरोना संक्रमण के बाद में हो क्या रहा है। दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी प्रत्येक हाईलाइट खबर सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी और राजस्थान में क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में दूसरी लहर से अब काफ़ी राहत मिली है, लेकिन कई जिलों में मौतों का जो क्रम है अभी भी चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। राजस्थान पत्रिका ने पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि जयपुर जोधपुर जिलों में नए संक्रमित सर्वाधिक मिलने के बावजूद मौतों का ग्राफ कम रहा, जबकि यहां पर आप देखें उदयपुर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में संक्रमित कम मिलने के बावजूद मौतें अधिक हुई हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वैसे तो हमारे प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण है ना मात्र का बचा है, लेकिन जो मौत अभी भी हो रही है संक्रमण की वजह से उनका जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। वो और उन जिलों में अभी यहाँ पर आप देखें उदयपुर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर तो यहाँ पर जो स्थिति है अभी भी गंभीर बनी हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा वैसे तो आपको अनेक प्रकार की छूटें प्रदान कर दी गई हैं और 1 जुलाई से आपको और भी छूट मिलने वाली हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड वेव है यानी कि कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है वो बहुत ही चिंताजनक है और वो सेकंड लहर से भी अधिक घातक होने वाली है, तथा राज्य सरकार इसे लेकर बहुत ही अलर्ट है और लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मीटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें पिछले 10 दिन में उदयपुर ज़िले में केवल 128 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 30 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में 10 दिन में मौतों का किसी जिले में यह सर्वाधिक आंकड़ा है। जयपुर जिले में 10 दिन में 606 नए मरीज मिले, जो इस अवधि में अन्य जिलों से अधिक हैं, लेकिन नई मौतों का आंकड़ा 14 तक ही सीमित रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर आप देखें ये पूरी जानकारी है और आप चिंता न करें, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है। अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।